और सो गाइस, गुड मॉर्निंग. हो चुकी है दाल चावल. मैं नहा चुकी हूँ. सुबह सुबह ताने आ गई थी, मेरे को उठा दिया उसने क्लास के बाद. वो सुबह क्लास अटेंड करके 5-10 मिनट आ जाती है, मेरे को उठा के चली जाती है. तो आई, मेरे को उठा के चली गई. अब मैं खाना खा के जाऊंगी वेदिका के साथ साइकिलिंग पे, क्योंकि बहुत टाइम से साइकिल नहीं चलाई है. तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीजें, कभी ट्रिप, कभी कुछ, कभी कुछ. तो चलेंगे वेदिका के साथ साइकिल चलाने. बाहर बहुत तेज धूप है. ऊपर आई हूँ मैं नीचे की चाबी लेने. शायद नीचे की चाबी ऊपर वालों के पास है. है तुम्हारे पास? हमारे पास नहीं है. नीचे कमरे की नहीं है, हमारी ही चाबी है. ये हमारी है. तो बाहर तो बहुत तेज धूप हो रही है. किलो चुके रेडी है, मानती है तू ये सब? चंचल दीदी के घर से लेंगे साइकिल. से धोखा मिला हमें तो हम आए हैं तान्या से मिलने. निकल जाएगी, बहुत जगह है. यही रुक कर उसे तान्या आ रही है, मैं जाऊं. तान्या तेरे मजे हैं भाई, चाय पी रही है. हमें भी चाय, तान्या हमें भी चाय पिला दे यार. मैं तो चाय पिलाऊंगा को भी भाई. चंचल दी तो है, मट्टी भी खा रही है. मट्टी नहीं खा रहे क्या? चंचल दी को दिखाएंगे. ओए मजा आ गया. हम आए इसीलिए थे ना ब्रो. फ्राइड होती है, मैदी की होती है. तो वैसे लंच भी तो नहीं कर रही ना? लंच भी तो नहीं कर रही. तो फ्राइड खा लोगे? मैं तो खा लूंगा. आप बैठो पास. नहीं बैठी हूं मैं. ले जाओ खा ले. सच में नहीं खाते? हां नहीं खाते, बट खा ले. खाले मैं चंचल दी को वीडियो भेज रही हूँ. रोटी सब्जी कुछ नहीं खाती तो उससे कुछ नहीं होता. यही खा. आप ये मत सोचो आप स्किप कर रहे हो तो आप पतले हो गए. स्किप करना इज लाइक बैड बैड थिंग. स्किप तो करी नहीं, ये मेरा लंच ही है. छोटा छोटा क्लास ले लेती. नहीं यार, चंचल दी की स्टोरी है ना, पता चल जाए. चाय लवर ब्रो. पूरे दिन में यार यही चाय पीती हूँ बस. हाँ, एक ही चाय. वो भी ऐसी एक ही चाय बाल्टी भर के. वो भी ऐसी बोलती है. ज्यादा नहीं, वहाँ गिर रही हूँ. ये वैसे भी बहू है. चल इधर लेके आ, चला के इधर तक लेके आ. चला ताने, साइकिल चलानी नहीं आ रही यार तेरे को. कमाल हो गया. ले मेरी चला ले. मतलब तो इसने चंचल दी की साइकिल को बेकार बोला है. वेदिका बेकार बोला है, भी चंचल दी को वीडियो भेजेंगे. बेकार बोला ना तूने चंचल दी की साइकिल को? नहीं बोला, मेरी से नहीं चलाई जा रही. जा मेरी चला. वो वाली चला के देखो. बस गिरा मत दियो, बहुत महंगी है. जा जा वो चला के देखो. है तो तू बनिया ही. पागल, मैं पंजाबी हूँ. इसको ट्रिप का बताओ ना, मैं पंजाबी हूँ. लोगों की साइकिल यहाँ खड़ी हो गई है वेदिका के घर के नीचे. और अब हम जा रहे हैं मद्रासी डोसे वाले के डोसा खाने. मेरे घर में काम भी चल रहा है. इसी घर में काम चल रहा है. हम वैसे कहाँ प्लान करते हैं? नहीं जा, चाबी तो लेके आ. नहीं अब छोड़ दिया. हाँ मैंने भी छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया यार. हाँ बहुत जो आप बोलो जो आ गया. वृद्धि का बर्थडे आ रहा है गाइस, विश करना सब. हम व्लॉग डालेंगे अगर ठीक हुए तो. यार फंक्शन अटेंड करोगे? मैं तो थक चुकी हूँ, इतनी नींद आ रही है. अभी सो के उठी हूँ और शाम, मतलब सॉरी दोपहर को सो गई थी, शाम को उठी हूँ. तो मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, आज पीनी भूल गई थी मैं, सो गई इसलिए रह गया था. गुल्लू बेबी कौन आ गया क्या? Why are you coming here? हमारे यहाँ क्यों आए हो आप? ये कौन है? अर्जुन निकालिए पहले, ताजे रास्ते से काट के. ये कौन है?
चोरी करवा दे हमारे यहाँ बिना देखी, बिना देखे गेट खोल रही है। कौन होगा, दीक्षा हो सकती है। अच्छा लो भाई, तुम्हें याद कर कपड़े आज भूल गए दीपक भाई। रुपए दे दिए जी भैया के। दीक्षा कहाँ गई, पड़ी है। दीक्षा अंदर पड़ी है, अगली की मर्जी। गुल्लू इधर आओ बेबी, अंदर क्यों पड़ी है। गुल्ले ओए गुल्ले, गुल्ले दीक्षा वो गुल्लू ये रही, ये पड़ी। मेरा बच्चा पारी कर दे बस एक तीन तोड़ दिया। गुल्लू तो गंदी हो गई है बहुत ज्यादा। सो गाइज बैक फ्रॉम द वर्कआउट एंड मस्ती वस्ती भी करी और थोड़ा सा काम था वो भी स्टूडियो में बैठ के फटाफट से कर लिया। और अब मैं आ चुकी हूँ घर, खाना खा रही हूँ, उसके बाद फिर से करूँगी एडिटिंग एंड कुछ शूट करना है तो वो भी शूट करूँगी। गाइज ये समेट रहे और इसमें मैं अपने जिम के कपड़े रखूँगी, बहुत फैला पड़ा है, ऐसे टी शर्ट्स और लोअर्स लगा दूँगी, बिल्कुल जगह नहीं है, छोटा घर है, इतना हौच पौच हुआ पड़ा है ना। भावेश जी अलमीरा समेटते हुए मेरे सारे कपड़े फैले पड़े गंदी तरह, पूरा समेट के अच्छे से लगाऊंगी। दो खाने दे रहा है तू मेरे को, तीन से तीन कर दूं खाली। नहीं दो कर दे, बहुत जगह तो दो बहुत है मेरे दो जिम के लिए। जी पहन सकती हूँ। ये क्या खिंडारा मचा रखा दीक्षा तूने, ये वो कपड़े हैं जो जम्मर जी पहन सकते हैं साल में एक बार। ये भी मैं जम्मर जी पहन सकती, साल में एक बार वाले कपड़े हैं ये, साल में एक बार जम्मर जी पहन सकते हैं। सर्दियों में मेरा क्या मुंह क्या कपड़ों का गंद मचा रखा है, ये गर्मियों का है बट मुझे लगता है कि मैं सर्दियों में अगर कहीं गर्मी वाली प्लेस गई तो ये पहनूंगी। टांग दो टांग दे, हैंगर निकाल खाली। ये टॉप क्यों निकाला हुआ है, ये गर्मियों का है, ये उन्होंने दिया था ना प्रीति दी ने, तो उन्होंने दिया लेट तो ये गर्मियों के कपड़े में रख चुकी थी, तब बेड में दबा चुकी थी। ये कहाँ से आ गया, अभी तो ये तय किया है। ये हरियाला मोटेला पहनेगी, पहन सकती हूँ। निकाल बाहर निकाल, तो तू क्या रखवा रहा है इसको, पहन सकती हूँ। तुम रुक को तो सही यार, क्या करा रहा है मम्मी, मैं थक गई हूँ, मैं सो गई हूँ। तुम रुक जाओ, तुम्हारी बेटी के कपड़े से सिलवा जाएंगे। ये पहन सकती हूँ कपड़े जो पहने नहीं है इसने पिछले एक साल से पहने नहीं है वो कपड़े, ये जो एक साल से लड़की ने पहने नहीं है उसके कह रही है पहन सकती हूँ। हर बार तो नए कपड़े खरीद लेती है फिर ढेर लगाई जाती है कपड़ों का। मम्मी आज मैं थक गई, ये इसको आनी रही है, मैं कह रहा हूँ उसको दे रहे, पर इनको कह रही नहीं रखूंगी मैं। आनी रही है फिट, अरे तो पतली होगी ना ये, मैं पतली होगी, ये कोट फिट दिखाई है मेरा कोट, मेरे को मैं पहन के देखूंगी। नहीं पहनना पहले वो संगवा, संगवा दिया इधर, कौन इधर नीचे क्या कह, नीचे गंद निकाल सारा बाहर। कौन सा ये, हाँ ये नहीं निकल सकता, ये दो डेबिट कैसा इधर है मुझे क्या पता, दोनों अंदर में दीक्षा बोल बैठी, ये कितने टाइम से लिखाई पता नहीं होकर रखी है, इसके अंदर डाल दे, खा सकती हूँ कभी भी। अब मुझे लग रहा है मैंने कितनी बर्बादी बचाई है जीवन में, आज एहसास हो रहा है मुझे इस बात का। चलो भाई मैं सोने जा रही हूँ, 11 बज गया, तुम अपना कंटेंट खुद ही ले लो। मम्मी इधर आओ, ये ना पैसे मिले आपकी मौज हो गई भैया, अलमारी की साइड से, और मेरी जितनी चिल्लड़ मैंने 1-2 लाख रुपए की इकट्ठी की हुई थी सारी लेके आओ। मैं कर रहा हूं, फोन पकड़ाना वहां से मम्मी। सो गाइस भावेश की हेल्प से मैंने पूरा समेट दिया है, सारे तय बना दिए हैं। यहाँ पे भावेश ने मुझे बोला यहाँ टॉवल रख, यहाँ मैंने अपने लोअर रख दिए एक्स्ट्रा वाले, यहाँ मैंने सारे अपने लोअर रखे हैं, मेरे नाइट सूट्स रखे हैं, और साथ ही में इस अलमीरा के 2 सेक्शन भावेश ने मेरे खाली कराए। इधर मैंने अपनी जीन्स रखी हैं, जीन्स रखने के बाद मुझे पता चला मेरे पास 10 जीन्स हैं, और मुझे तब भी लगता था मेरे पास जीन्स नहीं है एक भी, बहुत सारी जीन्स हैं मेरे पास, और कुछ मैंने पीछे रख दी हैं जो कि मैं बहुत कभी कभी पहनती हूँ। यहाँ मैंने बहुत गंदी तरह पीछे जैकेट्स भावेश ने लगाई हैं, और यहाँ पर मेरे लोअर्स और मेरे टी शर्ट्स हैं एरोबिक्स के। तो ये भावेश ने 2 खाने मेरे लिए खाली करके दिए स्पेशली।